राम बार तीन बार मैं गया और तीन बार हम वापस आ गया, तो तीसरी चौथी बार जब हाजी बुलंद खान साहब थे उन्होंने पे चले 55 किलोमीटर पैदल सफर किया। सुबह 6 बजे से निकला, रात के 8:30 बजे मैं गूल में पहुंचा और गूल में ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग के बाद दूसरे दिन मैंने न्यूज लगाई। वो डॉक्टर साहब थे हमारे, वो सीएमओ है आजकल, उनके घर रहा तो वहाँ पे जब मैं न्यूज लगाई तो वहाँ पे न्यूज में ये कह रहा था, वो न्यूज ये कह रही थी कि धन्ना मंडी में आसमानी बिजली गिरने से एक घर में 3 जो है वो कैजुअलिटीज हुई। वो मैंने अप्लीकेशन रख के वहाँ से पैदल चला और जम्मू पहुँचा। रात को मैं रामबन पहुँचा 8:30 बजे, रात को रामबन रहा, मतलब ड्यूटी कठिन से कठिन ड्यूटी। और उसके बाद जब मैं लेक्चरर बना तो सुरनकोट से लोग भागे, लेक्चरर्स भागे, इवन के टीचर्स भागे जो लोग थे, तो मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने 5 साल वहाँ पे दिए और जितनी रिस्पेक्ट मुझे सुरनकोट से मिली। और यही कारण है कि आज सुरनकोट के बच्चे यूनिवर्सिटी जामा मिलिया में हैं, वहाँ से विश करते हैं। वो आपके ये जो जहांगीर जो है सी ओ औकाफ का मेरा स्टूडेंट है, वो रिस्पेक्ट करते हैं। इवन के जब मैं सक्रेट में जाता हूँ, मुझे सक्रेट का कीड़ा भी लोग कहते थे, मतलब ऐसे कहते थे कि सक्रेट में जब जाता था, आज भी ज़्यादा नहीं मैं कह सकता हूँ, 2-3% जो वहाँ पे स्पेशल सेक्रेटरी जो है वो मेरे बैच के और मेरे स्टूडेंट। मैं ट्रांसफर के सिलसिले में तालिब साहब जम्मू गया, काबरा साहब कमिश्नर सेक्रेटरी थे, तो मैं वहाँ पे खड़ा था तो लाल साहब और ये अल्ताफ साहब दोनों बैठे हुए थे हमारे स्पेशल सेक्रेटरी के कमरे में। एक स्पेशल सेक्रेटरी मुझे डिप्टी सेक्रेटरी हाथ पकड़ के बाहर से लेके जाता है अंदर और मेरी टांगे कांप रही है कि मैं बिना परमिशन के आया हूँ, शायद ये मुझे मेरे पे एक्शन करेगा। जब मैंने लाल साहब को भी और अल्ताफ साहब को भी देखा तो मैं और परेशान हो गया। मैंने कहा शायद ये इनसे पूछेगा कि ये बिना परमिशन के कैसे आए, तो वो मुझे सर करके कहता है, तो मैंने सोचा इसको गलती लग गई है, मैं बैठ नहीं रहा हूँ। वो मुझे कहता है सर आप बैठिए। जब मैं बैठा और पूरी कुर्सी पे नहीं बैठा, ये मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स क्या होता है, सहेल शाह उनका नाम है, आज भी वो स्पेशल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। भूल में मैंने उसको सिर्फ 5 और 6 दिन फिजिक्स पढ़ाई। वो मुझे कहता है आप कैसे आए, मैंने कहा सर ऐसे मैंने आपको, वो कह रहा है मुझे पहचाना, मैंने कहा सर मैंने नहीं पहचाना। फिर उसने कहा मैं आप भूल में रहे सर, मैंने कहा जी भूल में रहे, कहा फिर पहचानो, फिर मैंने उनको पहचाना। शैलिंग काबरा के टाइम में जब ट्रांसफर नहीं होती थी तब उन्होंने कहा एक कैंडिडेट में अपना भी अल्ताफ साहब बॉय इस चीज़ के, उन्होंने मेरी ट्रांसफर। मेरा कहने का मतलब है कि टीचर्स जो है सबसे बड़ा जो टीचर्स को क्रेडिट मिलता है वो ये मिलता है कि उसका जब वो स्टूडेंट कहीं हायर पोस्ट पे होता है जब वो रिस्पेक्ट देता है तो टीचर को इत्मीनान हो जाता है कि फाइनेंशियली अगर हम सोल्ड नहीं है लेकिन मॉरली और ये जो सोशली जो है हम वो बड़े अच्छे। तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज वो हमारी इस पार्टी में सर की रिटायरमेंट में तशरीफ लाई, तो एक शेर के साथ उनको खुश आमदीद कहूंगी। आप आए हैं पैगाम में बसरत बनकर, आप आए हैं पैगाम में बसरत बनकर, हमने आंखों को सरे रख बिछा रखा है। आज वो दिन आ ही गया जिसके मतलब हम पिछले 1 महीने से तैयारियां कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो आज वो दिन सामने है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिटायरमेंट जिंदगी का एक तरीका है जो हमें बताता है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने दोस्तों और खानदान को अपने काम से ज्यादा वक्त दें और मोहब्बतों भरी जिंदगी गुजारें। सर आपने हम में से हर किसी के साथ एक रहबर एक सरपरस्त की तरह पेश आए। आपने अक्सर हमें डांटा लेकिन दूसरी तरफ आपने हमें मोहब्बत भरे अंदाज में समझाया। आप एक बेहतरीन शख्सियत के हामिल हैं और सर यह आपकी बेहतरीन शख्सियत है कि जो आज आप बाइज्जत तरीके से रिटायर होकर अपने घर जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं अपनी और अपने स्टाफ मेंबरान की तरफ से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि अगर हम में से इस दौरान कोई भी गलती हुई तो आप हमें माफ करेंगे।
तो मैं एक इलाके का हेड था, इवन फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से भी इसका स्टेटस ऊपर होता था, उसका तहसीलदार वगैरह से ग्रेड ऊपर होता था। राउत साहब भी इसको बयान करेंगे, तो आज भी ऐसी बात नहीं, आज भी ये इसकी वैल्यूज है, एक बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन सर्विस के दौरान में बहुत सारे अच्छे और बुरे लोगों के साथ रब्ता होता है, तो ये निवासता पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं अपने गर्ज के लिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को बुरा भला भी कहते हैं, उनसे जायज और नाजायज काम भी लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसी को बर्दाश्त करना होता है। मैं यहां पे अगर एक बात कहूं तो मेरी बहनें नाराज न हो। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देशभक्त यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको बीएससी मेडिकल लैब, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीबीए, बीसीए, बीए, एमसीए, एमएससी ओटीटी, एमएससी आरआईटी, एमएससी एमएलटी, एमपीटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देशभक्त यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।